जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आईपीएल 2021 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया, उसी मुकाबले के बारे में और साथ में इस मैच का पूरा वीडियो भी आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हो और साथ के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2021 में क्वालिफिकेशन से भी खुश हो, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 का 44वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां पर इस 44वें आईपीएल के मुकाबले में एक अलग ही रोमांच हम सभी को देखने के लिए मिला। दरअसल दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शारजा के क्रिकेट मैदान पर पहले टॉस जीतते हुए गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां पर उनका गेंदबाजी करने का फैसला शुरुआत में बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे टीमें बढ़ती रही उस हिसाब से हम सभी को समझ में आने लगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर पहले गेंदबाजी क्यों चुनी, क्योंकि दोस्तों यहां पर पिच काफी ज्यादा उछाल ले रहा था। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी बखूबी जानते थे अगर इस पिच से मदद लेनी है और पहली ही पारी में टीम इससे मदद ले पाएगी, और इसी चालाकी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने आज टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं दोस्तों, गेंदबाजी के बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बल्लेबाज उतरे, तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा। जी हां दोस्तों, यहां पर जेसन रॉय ने 7 गेंदों में मात्र 2 रन की पारी खेली और उनको जोश हेजलवुड ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं दोस्तों, रिद्धिमान साहा ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली, और वहीं रिद्धिमान साहा ने अपनी 44 रनों की पारी के दौरान एक चौका और 2 बड़े छक्के भी लगाए थे। हालांकि दोस्तों, हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले रिद्धिमान साहा ही बने, क्योंकि यहां पर रिद्धिमान साहा की ही बदौलत हैदराबाद की टीम 134 रनों तक पहुंच पाई थी, क्योंकि यहां पर केन विलियमसन मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं प्रियम गर्ग ने 7 रन की पारी खेली थी, तो वहीं अभिषेक शर्मा 18 रन, अब्दुल समद 18 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं जेसन होल्डर आज के इस मुकाबले में कुछ ज्यादा खास कमाल अपनी बल्लेबाजी से कर ना सके, जहां पर वो 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार ने अंत में हैदराबाद की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। तो वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से शानदार गेंदबाजी करवाने वाले जोश हेजलवुड ने इस मुकाबले में 3 बड़ी सफलताएं हासिल की, जहां पर उन्होंने तीनों ही बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके चलते हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में मजबूती स्थिति अपनी बनाकर रखी। तो वहीं दोस्तों, फिर मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग की टीम उतरी, तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन ढंग से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 6 ओवर के अंदर ही अंदर 50 रन की अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली थी, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान मैदान पर देखने के लिए मिला। हालांकि दोस्तों, इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पर एक वो बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जेसन होल्डर की गेंद पर केन विलियमसन के हाथों में कैच आउट हो गए, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 38 गेंदों में 45 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। तो वहीं दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे मोइन अली, जहां पर फाफ डुप्लेसिस और मोइन अली के बीच में काफी अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन यहां पर फाफ डुप्लेसिस 36 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं मोइन अली ने 17 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों, यहां पर सुरेश रैना का फ्लॉप शो एक बार फिर से जारी रहा, जहां पर सुरेश रैना मात्र 3 गेंदों में 2 रन ही बना सके और उनको जेसन होल्डर ने आउट किया और उन्होंने मात्र 3 गेंदों में 2 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों, अंत में अंबती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की लाज बचा ली और इस मैच को अपने नाम किया। हालांकि दोस्तों, इस मैच को अपने नाम करते के साथ ही पॉइंट टेबल में भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को काफी ज्यादा मदद मिली। और वहीं अगर दोस्तों हम बात करें हैदराबाद की गेंदबाजी की, तो हैदराबाद की तरफ से शानदार गेंदबाजी करवाई जेसन होल्डर ने, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं राशिद खान ने 1 विकेट लिया। और वहीं दोस्तों, इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। बाकी अब आपकी क्या राय है चेन्नई सुपर किंग्स के इस शानदार प्रदर्शन के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में आईपीएल 2021 का 44वां मुकाबला खेला जा चुका है, जहां पर 44वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए थे और चेन्नई सुपर किंग्स की
टीम को लक्ष्य मिला था 135 रनों का। हालांकि दोस्तों ये लक्ष्य इतना ज्यादा बड़ा था नहीं और चेन्नई की टीम ने जिस तरह से इस मुकाबले में बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर 135 रनों के जवाब में जब चेन्नई सुपर किंग की टीम मैदान पर उतरी तो चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी हुई, जहां पर इनकी अर्धशतकीय साझेदारी से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को काफी अच्छी बढ़त हासिल हो गई थी। हालांकि दोस्तों इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ 45 तो वहीं फाफ डू प्लेसिस 41 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि खुशी होगी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहली ऐसी टीम बनी है जिसने क्वालिफाई इस बार आईपीएल 2021 के लिए कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पहले नंबर पर टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग की टीम, जहाँ पर चेन्नई की टीम ने 11 मैचों में से 9 मैच जीतकर 2 में हार मिली है उन्हें और 18 पॉइंट्स के साथ और बेहतरीन नेट रन रेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले नंबर पर मौजूद है और क्वालिफाई कर भी चुकी है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 11 मैचों में 8 मैच में जीत हासिल करी और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 16 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरे नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें तीसरी टीम के बारे में, जो दोस्तों तीसरी बड़ी टीम निकल कर आती है वो 2 मैचों में से 5 मैचों में जीत हासिल करी और 6 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां पर चौथे नंबर पर मौजूद है। तो वहीं बात करें पांचवी टीम के बारे में, जो पांचवी टीम निकल कर आती है वो मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 11 मैचों में से 5 मैचों में जीत हासिल करी और 6 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए है, जहां पर आते से ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के खिलाफ पावर प्ले में ही अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर डाली और ये दोनों ही बल्लेबाज यहां पर नहीं रुके, दोनों ही ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए नजर आए, जहां पर एक छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ फाफ डू प्लेसिस का भी आक्रामक रूप देखने के लिए मिला। बाकी दोस्तों यहां पर आप सभी इनकी पारी का पूरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो और इन्हीं की बदौलत चेन्नई सुपर किंग की टीम जीत की कगार पर पहुंचती हुई भी दिखाई दी। स्मृति मांदना ने मात्र 60 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस दौरान 12 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ उनका बखूबी साथ निभा रही सैफ अली वर्मा ने भी आज के इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर दिखाई है। जी वहीं सभी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज आज भारतीय टीम की इन दोनों ही ओपनर जोड़ी से परेशान दिखाई दी। बाकी दोस्तों आप यहां पर देख भी सकते हो कि किस तरह का भी स्कोर कार्ड लाइव चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।